अगर आप अपने स्किन को ब्राइटन करना चाहते हो और हाइरोनिक एसिड, विटामिन सी, अमीनो एसिड, इस तरीके का कोई भी इंग्रेडिएंट आप अपने चेहरे पे इस्तेमाल करना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये डाउट है कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपके स्किन को सूट करेगा और आपको इसका कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हो जो मैंने शुरू किया है, वो है फेस टोनर का अप्लाई करना। हाइरोनिक एसिड हो, नियासिनामाइड हो, VHA हो या फिर अमीनो एसिड हो, अगर आप इनको अपने चेहरे पे अप्लाई करना चाहते हो तो बेस्ट वे इज अप्लाइंग अ फेस टोनर मेड बाय दीज इंग्रेडिएंट्स। उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ऊपर काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, फेस सीरम को मैंने अवॉइड करके फेस टोनर से शुरुआत की थी एंड लुक एट माई फेस, इट इज इन वेरी वेरी गुड कंडीशन, हेल्दी लग रहा है फिलहाल, एंड द रीजन इज आई एम अप्लाइंग अ गुड फेस टोनर। तो फेस टोनर को आपको कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमारे स्किन केयर रूटीन का मेन पार्ट होता है टोनिंग। टोनिंग हमारे स्किन के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है और उसी को दिमाग में रखते हुए आज एक बेहतरीन फेस टोनर का मैं रिव्यू करने वाली हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाइनी रूप्स। मेरा नाम रूपा है, स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हो। तो गाइज, आज मैं रिव्यू कर रही हूँ सैटन बाय GHC का फेस टोनर एंड दिस इज बेसिकली यूजफुल टू लाइटन योर पोर्स। और इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स है, दे आर PHA, नियासिनामाइड, हाइरोनिक एसिड, अमीनो एसिड। और उसके बाद यहाँ पे आप दूसरी साइड पे देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स का कंप्लीट लिस्ट, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख जाएंगे। अच्छा, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, जो फोर इनका मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो क्या क्या काम करता है वो आपको इस साइड पे दिख जाएगा। PHA एक पावरफुल एक्सफोलिएटिंग एजेंट है जो आपके स्किन को रेडिएंट और स्मूथ बनाएगा। उसके साथ इसमें है नियासिनामाइड, ये भी एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ स्किन ब्राइटनिंग में भी हेल्पफुल होगा। और हाइलुरोनिक एसिड, ये आपके स्किन के वाटर मॉलिक्यूल्स को, मतलब स्किन के जो वाटर बैलेंस है इसको ये मेंटेन रखेगा। और अमीनो एसिड स्किन को जो डैमेज हम लोग हर दिन झेलते हैं ना, उससे प्रोटेक्ट करेगा और स्किन को एजिंग से दूर रखेगा, मतलब आप बुढ़ी नहीं दिखोगे, जवान दिखोगे। तो ये अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में डाला गया है। लगाने का जो प्रोसेस है काफी इजी है, तो क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग का जो पार्ट है उसको आपको फॉलो करना है बेसिकली इसको अप्लाई करते टाइम। सबसे पहले किसी भी फेस वॉश से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए, उसके बाद आपको लगाना है सैटन बाय GHC का फेस टोनर। और इसको लगाने के बाद बस 2 से 3 सेकंड वेट कीजिए जब तक ये अब्सॉर्ब ना हो जाए, और उसके बाद इसका जो हाइड्रेशन है उसको लॉक करने के लिए अपने चेहरे पे कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए एंड योर स्किन केयर इज डन। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आपको इस टोनर को हर दिन 2 बार करके तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में तो आप लोगों को थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दे दिया है, चलिए कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। सैटन बाय GHC का वेबसाइट है गाइज, वहाँ पे जाकर आप इनके हेल्थ कोचेस के साथ बात कर सकते हो अगर आप अपना पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट बनाना चाहते हो, और ये आपको फ्री में एक डाइट चार्ट बना के देते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। दूसरी चीज़ है, अगर आप इनका जो प्रोडक्ट्स है इनको रेगुलर परचेस करते हो इनके वेबसाइट से, तो आपको डिसेंट अमाउंट का डिस्काउंट मिलता है। ये वेबसाइट में जो फोन नंबर है वहाँ पे आप एक्सपर्ट से कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको स्किन का प्रॉब्लम है या फिर बालों का प्रॉब्लम है एंड यू वांट टू टॉक टू एक्सपर्ट्स, देन उसके लिए भी इनके जो फैसिलिटीज है प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और ये जो सारे फैसिलिटीज है ये एकदम फ्री है, उसके लिए डेफिनेटली आपको इनका वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो गाइज, सैटन बाय GHC के फेस टोनर के ऊपर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करना है वो भी आप लोगों ने देख लिया है एंड दिस प्रोडक्ट इज रियली अमेजिंग। मैंने इसको काफी समय तक अप्लाई किया है अपने चेहरे पे और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिला है इससे। लुक एट माय फेस, मैंने इतना मेकअप वेकअप नहीं करा है और आजकल इतना मेकअप करती भी नहीं हूँ। अगर आपका स्किन हेल्दी रहता है तो ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो चलिए, ये था मेरा आज का वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, और प्रोडक्ट रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया है, वहां पे जाकर आप एक बार चेक कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।